नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान एक A&M सेंटर में 6 वर्ष से ही गलत वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आ रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आरोपी युवक है जो बहला फुसला कर वहां पर लेकर आया था और इसके बाद ही बताया जा रहा है कि वॉशरूम में ले गया है और घटना को अंजाम दिया है। शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हैं और लोगों ने वॉशरूम का दरवाजा धक्का देते हुए खोल लिया है, जिसके दौरान इस घटना का पता चला है। इसके साथ ही लोगों ने आरोपी को अदनग अवस्था में पकड़ा है और पुलिस को सौंप दिया है, जबकि 6 वर्षीय को CSC पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन अफसर मौके पर पहुंचे हैं और जाँच पड़ताल कर रहे हैं। पूरा मामला हरदोई से निकल कर आ रहा है। आरोपी युवक का नाम बाबा है और वह उसी किशोरी के गाँव का रहने वाला है और पुलिस के मुताबिक दोपहर में A&M सेंटर की CHO आयुष्मान कार्ड बनाने वाली गांव गई हुई थी और इसी दौरान आरोपी बहला फुसला कर A&M सेंटर लाया और जहां पर घटना को अंजाम दिया है। इसी दौरान वहां पर गांव के कुछ युवतियां जांच कराने के लिए सेंटर पर पहुंची है और इसके बाद शोर की आवाज सुनाई दी है तो बासी के एक बिहारी राय को यहां पर बुलाया गया है और लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बताया जा रहा है कि देखते देखते दरवाजा को धक्का देते हुए खुलवाया गया है और उसके बाद पूरे घटना को रंगे हाथों देख लिया गया और किसी ने इसका एक वीडियो भी बनाया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस लगातार जांच कर रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।